नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव एक बार फिर से आप सबका आपके अपने परिवार स्वाध्याय सीरीज में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हाँ, जैसे हमारा टॉपिक चला हुआ है क्या, वर्णमाला, और हमने हिंदी का विकास हमने ख़त्म कर लिया है। वर्णमाला क्या हमारा टॉपिक चला हुआ है, वर्णमाला। अब हम तो पढ़ा रहे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाते रहेंगे। अरे यार क्या हो गया, हम तो पढ़ाते ही रहेंगे, लेकिन बस आप लोग जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि जब से मैं क्लास ले रहा हूँ आप लोग देख रहा हूँ कि वर्णमाला जैसे मैंने पढ़ाया है तो उतना प्यार नहीं मिला वर्णमाला को जितना उम्मीद की थी कि मैंने कि शायद आप लोग अच्छे से इसे प्यार दोगे क्लास को और अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन आप लोगों ने ऐसा कुछ किया ही नहीं। उम्मीद करते हैं कि हम लोग की हमारा पढ़ाया आप लोगों को अच्छा लगेगा और आप लोगों की समझ में आएगा, बस यही उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि हम भी मेहनत से पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन कहीं कुछ भी कहीं से पढ़ा रहे हैं, आपको पढ़ाने से पहले अच्छे से नोट्स तैयार किए जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पढ़ाया समझ में आएगा और आप लोगों का प्यार स्वाध्याय श्री परिवार को भी मिलेगा। बस उम्मीद करते हैं कि शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुँचाइए, ताकि आप लोगों के परिवार से ज़्यादा लोग जुड़ सके। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या चला हुआ है, वर्णमाला। क्या चला हुआ है, वर्णमाला। तो शुरुआत करते हैं, पहले वर्ण से शुरू करता हूँ मैं। वर्ण की डेफिनेशन में आप लोगों को दोबारा से बता देना चाहता हूँ अच्छे से, वर्ण क्या होते हैं। भाषा या ध्वनि की वह सबसे छोटी इकाई जिसके ओर खंड नहीं किए जा सकते। क्या, भाषा या ध्वनि की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी, सबसे छोटी इकाई जिसके ओर खंड नहीं किए जा सकते, जिसके ओर खंड नहीं किए जा सकते, खंड नहीं किए जा सकते, भाषा या ध्वनि की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड नहीं किए जा सकते क्या कहलाती है, आपकी वर्ण कहलाती है। और वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, उच्चारण के आधार पर मैंने आपको बताए थे कि वर्ण के दो प्रकार होते हैं, उच्चारण के आधार पर वर्ण के दो प्रकार आपको बताए थे। कौन कौन से बताए थे, देखिए थोड़ा सा आसान हो गया ना अब, जा पहले रबड़ भी चलती थी, मिटता नहीं था, थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। तो कितने प्रकार बताए थे आपको, दो प्रकार आपको बताए थे, एक था स्वर और एक था व्यंजन। क्या था, स्वर और व्यंजन, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा, व्यंजन। स्वर क्या थे, स्वर वे ध्वनि थी जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता था। क्या, इनका उच्चारण स्वतंत्र होता था, स्वतंत्र। और जबकि व्यंजन का उच्चारण स्वर की सहायता से होता था। क्या, स्वर की सहायता से होता था, किससे, स्वर की सहायता से वर्ण का उच्चारण होता था, स्वर की सहायता से। भाई स्वर की सहायता से वर्ण का उच्चारण होता है, जबकि स्वर स्वतंत्र ध्वनि होती है, इनका उच्चारण करते समय हमें किसी की सहायता नहीं लेनी होती। ठीक है, तो ये समझ में आया था कि वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, वर्ण के दो प्रकार होते हैं उच्चारण के आधार पर। क्या, उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर वर्ण के कितने प्रकार बताए आप लोगों को, दो प्रकार बताए गए हैं, जिसमें एक स्वर और एक व्यंजन। आपके एग्जाम यूपी पुलिस के पेपर में 2018 वाले पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि वह ध्वनि जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता क्या कहते हैं। ऑप्शन में था, मैं जहाँ तक मुझे तीन ऑप्शन याद है उसके, कि स्वर, व्यंजन, वर्ण और एक ऑप्शन अदर था कुछ, ठीक है ना, आप कुछ और लगा लीजिए कारक। ठीक है, तो उसमें ऑप्शन के आंसर क्या था, आपका आंसर था व्यंजन। क्या था, व्यंजन उसका आंसर था, 2015 के यूपी पुलिस के क्वेश्चन पेपर में था ये क्वेश्चन। ठीक
लिखिएगा ना, व्यंजन। तो वर्ण का उच्चारण के आधार पर वर्ण के कितने प्रकार, स्वर और व्यंजन। स्वर स्वतंत्र ध्वनि होती है और जबकि व्यंजन स्वतंत्र ध्वनि नहीं होती। तो आज हम किसकी बात करेंगे, स्वर की बात करेंगे। क्या हम स्वर की बात करेंगे, ठीक है, हम किसकी बात करेंगे, हम स्वर की बात करेंगे, ठीक है ना। हम देखेंगे कि स्वर के कितने प्रकार होते हैं, किस किस आधार पर स्वर के कौन कौन से प्रकार होते हैं, ठीक है। एक मिनट होल्ड करना बस दोस्तों, ठीक है। ठीक है भाई, स्वतंत्र ध्वनि होती है और ये अस्वतंत्र ध्वनि होती है, स्वर की सहायता से बोली जाती है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं अपना थोड़ा नेक्स्ट पेज हम लोग ले लेते हैं। मैंने 18वें पेज पे कर दिया है, सब कुछ हो जाती है कभी कभी मिस्टेक भी, दिखा दे रहा है चीजें। चलिए अब देखते हैं स्वर के प्रकार उत्पत्ति के आधार पर, क्या हम हमारा जो टॉपिक है आज स्वर के प्रकार। वैसे मैं आप लोगों को बाद में बताना चाहता हूं कि स्वर के कितने होते हैं, पहले अच्छे से पढ़ा लूं, लेकिन फिर भी बता देता हूं, कुल स्वर 13 होते हैं। कितने, 13। कुछ अंग और अ को जो अयोगवाह होते हैं, इन्हें अयोगवाह कहा जाता है, इन्हें इसमें से बाहर निकाल देते हैं और आगत नवीन आगत ध्वनियों को व्यंजन में जोड़ देते हैं, कहीं में व्यंजन में जोड़ देते हैं। लेकिन स्वर की संख्या 11 होती है, लेकिन वर्णमाला में कुल 13 स्वर होते हैं। कितने, 13 स्वर होते हैं। चलिए अब करते हैं स्वर के प्रकार, स्वर के प्रकार आज का हमारा टॉपिक होगा स्वर के प्रकार। वो आपको मैं बाद में बताऊंगा कि कितने कैसे कैसे होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर। क्या, उत्पत्ति के आधार पर भाई, उत्पत्ति के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर स्वर के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से। नंबर एक पर लिखिए मूल स्वर, कौन से, मूल स्वर। और नंबर दो पर आपका क्या होगा, मूल स्वर। और नंबर दो पर आपका होगा संधि स्वर। क्या, इसे खै कर लेते हैं, संधि स्वर, संधि स्वर। क्या होगा, संधि स्वर। तो मूल स्वर कौन से होते हैं और संधि स्वर कौन से होते हैं। अब हम बात करते हैं मूल स्वर की, भाई मूल स्वर कौन कौन से होते हैं। इनके उच्चारण करते समय, मूल स्वर का उच्चारण करते समय बहुत कम समय लगता है, बहुत कम समय लगता है, या हम कह सकते हैं कि एक मात्रा के बराबर समय लगता है, वो बाद में बताऊंगा कैसे। तो याद रखिए अभी के लिए कि मूल स्वर का उच्चारण करते समय, मूल स्वर का उच्चारण करते समय मूल स्वर का उच्चारण करते समय बहुत कम समय लगता है, कम समय लगता है, बहुत कम समय लगता है। इनकी संख्या 4 होती है, कितनी, इनकी संख्या 4 होती है। मूल स्वर को हस्व स्वर के नाम से भी जाना जाता है, क्या कहा जाता है, मूल स्वर को हस्व स्वर भी कहा जाता है, हस्व स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मूल स्वर को हस्व स्वर के नाम से भी जाना जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। क्या, नंबर 3 यहां पे लिख देता हूं मैं, इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कितनी, 4। और ये कौन कौन से होते हैं, ये कौन कौन से होते हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों ने ये कर लिया होगा, मैं चाह रहा हूं कि यहीं पे लिख देता हूं मैं इसको, तो मैं इसको रब कर रहा हूं, इनकी संख्या, मैं दोबारा से बोल रहा हूं सेकंड लाइन को, किसको, सेकंड को, मूल स्वर को हस्व स्वर के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है, हस्व स्वर भी इन्हें कहा जाता है। तो मैं इसे ही रब कर रहा हूं, ठीक है, यहां से
क्या कहा जाता है? मूल स्वर को हस स्वर कहा जाता है। इनकी संख्या चार होती है। कितनी होती है? इनकी संख्या, या ये कुल चार होते हैं। इनकी संख्या चार है। कौन कौन से होंगे? ए, छोटा ई, छोटा ऊ और री। अब एक मात्रा के बराबर समय क्यों लगता है ये आपको मैं बाद में बता दूंगा। क्या होगा ये मैं आपको बाद में बता दूंगा, क्योंकि आगे भी टॉपिक में अच्छे से करेंगे इसे क्लियर। अभी आप लोग याद रखिए, आपसे पूछा जाता है कि मूल स्वर क्या, मूल स्वर का उच्चारण करते समय बहुत कम समय लगता है। क्या? बहुत कम समय लगता है। ठीक है, मूल स्वर का उच्चारण करते समय बहुत कम समय लगता है। इनकी संख्या चार है और इन्हें हस स्वर के नाम से भी जाना जाता है। अगर किसी को थोड़ी सी भी दिक्कत है तो मैं इसे वापस कर सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये वापस भी हो जाएगा और वहीं पे चला जाएगा, थोड़ा टाइम लग जाएगा और मैं टाइम नहीं लगाना चाहता। वैसे भी हम लोगों के पास थोड़ा टाइम कम होता है। ठीक है, तो मूल स्वर की संख्या कितनी बताई है मैंने आपको? मूल स्वर की संख्या चार होती है। कितनी होती है? मूल स्वर की संख्या चार होती है। कौन कौन सी होती है दोबारा लिख देता हूं मैं। मूल स्वर की संख्या चार होती है। कौन सी होती है? मूल स्वर की संख्या चार होती है। ए, कौन सी? ए। अगर हम बात करते हैं ए, छोटा ई, छोटा ऊ और री, ये कितने हो गए? चार। कितने हो गए? चार। तो मूल स्वर कितने बताए? चार। जबकि संधि स्वर, या हम कह सकते हैं उन्हें, हम कह सकते हैं संधि स्वर या दीर्घ स्वर की संख्या सात होती है। तो कितनी हो गई ये संख्या? हो गई कितनी? चार। ठीक है, ये मूल स्वर की संख्या मैंने आपको बता दी है कितनी होती है? चार। अब हम बात करते हैं नंबर दो की, जिन्हें हम बोलते हैं संधि स्वर। क्या? नंबर दो पर हम देखते हैं संधि स्वर। संधि स्वर का उच्चारण करते समय इनका उच्चारण करते समय, इनका उच्चारण करते समय मूल स्वर से, क्या? मूल स्वर से अधिक समय लगता है। इनका उच्चारण करते समय मूल स्वर से अधिक समय लगता है। इन्हें दीर्घ स्वर के नाम से भी जाना जाता है। संधि स्वर को, क्या? संधि स्वर को दीर्घ स्वर भी कहा जाता है। क्या? दीर्घ स्वर भी कहा जाता है। भाई संधि स्वर को क्या कहा जाता है? संधि स्वर को दीर्घ स्वर भी कहा जाता है। संधि स्वर की कुल संख्या, अगर बात करते हैं कुल संख्या की, तो संधि स्वर की कुल संख्या कितनी होती है? सात होती है। कितनी होती है? सात होती है। अगर बात करते हैं आ, आपका बड़ी ई, ए, ए, ओ, ओ, एक दो तीन चार पाँच छः और एक हो रह गया आ, ई, आ, ई और बड़ा ऊ इसमें रह गया। यहाँ पे बड़ा ऊ में लिख देता हूँ, क्या हो गया? बड़ा ऊ। ठीक है, आ, ई, बड़ा ऊ और ए, आए, ओ और आओ। तो संधि स्वर की संख्या कितनी बताई आपको? संधि स्वर की संख्या सात होती है। कितनी? आपसे एग्जाम में पूछ सकता है वो कि संधि स्वर की उत्पत्ति के आधार पर स्वर के कितने प्रकार? दो प्रकार, मूल और संधि। और संधि स्वर की संख्या कितनी होती है? मूल स्वर की चार और संधि स्वर की सात होती है। कितनी होती है? सात संख्या होती है। ठीक है, संधि स्वर की कितनी संख्या हो गई? सात।
संधि स्वर की कितनी संख्या बताई मैंने आपको, सात। ठीक है, तो संधि स्वर की कितनी संख्या होती है, सात संख्या होती है। ठीक है, कौन कौन सी, आ बड़ा ई बड़ा ऊ ए ऐ ओ औ। ठीक है, तो कितनी हो गई, सात हो गई। अब कुछ बच्चे बोल सकते हैं कि ए अंग और ए कहाँ गया, या तो अंग और ए, अंग और ए ये कहाँ चले गए। बिल्कुल सही बात है भाई, ये अंग और ए ये कहाँ पर चले गए। ठीक है, ये होते हैं अयोगवाह। कौन से, ये दोनों के दोनों अयोगवाह, ये अयोगवाह कहलाते हैं। कौन से, ये अयोगवाह कहलाते हैं। इनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्य में माना जाता है, इसलिए आपको इनकी, ये बाद में आपको बताए जाएंगे, जितना आपको बताया जा रहा है उसे ध्यान रखिए। मैंने आपको पहले भी कहा था कि इससे बाहर तो कुछ भी नहीं आएगा, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा कुछ भी। यूपी पुलिस में आपकी हिंदी जहाँ पर भी आती है, अब आईएएस पीसीएस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है, हिंदी अपने लोकल एग्जाम में जितनी भी पूछी जाती है इससे बाहर सॉरी कुछ नहीं जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं कि संधि स्वर को दो भागों में बांट कर पढ़ सकते हैं, भाई संधि स्वर को, जो संधि स्वर होते हैं, संधि स्वर क्या है, संधि स्वर को दो भागों में, दो भागों में बांटा जाता है। क्या किया जाता है, बांटा जाता है। नंबर एक, संधि स्वर को दो भागों में बांटा जाता है, जिसमें नंबर एक पर है आपका दीर्घ संधि स्वर। क्या, दीर्घ संधि स्वर क्या होगा, दीर्घ संधि स्वर और संयुक्त संधि स्वर। दीर्घ संधि स्वर, और नंबर दो पर आपका क्या होगा, संयुक्त दीर्घ संधि स्वर और संयुक्त संधि स्वर। अब हम बात करते हैं दीर्घ संधि स्वर की, क्या बात करेंगे हम, दीर्घ संधि स्वर की हम लोग बात करते हैं। क्या करते हैं, दीर्घ संधि स्वर शायद आप लोगों को दिखाई देगा, और आज मैंने पहली बार शायद रेड कलर लिया है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को दिखाई दे। मुझे लगता है ये पेन यहाँ पे चल जाएगा, चल रहा है, चलो रेड नहीं लेते, कोई सा और कलर ले लेते हैं, ग्रे लेते हैं, ठीक है ना। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है, ओ भाई ये तो वैट हो गया, हैंकर यार। अब देखिए कुछ दे रहा है, दिखाई देगा सब कुछ अच्छे से। ठीक है, चलो करते हैं हम, ठीक है, तो दीर्घ संधि स्वर हम बात करते हैं, क्या, दीर्घ संधि स्वर, दीर्घ संधि स्वर। इन्हें सजातीय, सह जातीय, इन्हें सजातीय स्वर भी कहते हैं, स्वर भी कहते हैं। इन्हें सहजातीय स्वर भी कहते हैं। अब इन्हें सहजातीय स्वर क्यों कहते हैं, ये हम लोग अभी देख लेते हैं। इन्हें सहजातीय स्वर भी कहते हैं। अब सहजातीय स्वर की बात करते हैं, पहले देखते हैं इनकी संख्या, ये कौन कौन से होते हैं। इन्हें सहजातीय स्वर किस लिए कहते हैं और क्यों कहते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या तीन होती है। कितनी, तीन। ये होते हैं आपके ए, सॉरी ये होते हैं आपके आ बड़ा ई और बड़ा ओ। कितने हो गए, इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या तीन होती है। इन्हें सहजातीय जो दीर्घ संधि स्वर है, इन्हें मैंने दो भागों में पढ़ा भाई, संधि स्वर को हमने पहले संधि स्वर को समझा, फिर दीर्घ संधि स्वर भी कहते हैं, उनकी संख्या कुल सात होती है। अब हम देख रहे हैं उसे दो भागों में बांटकर पढ़ा जा सकता है, संधि स्वर हम देख रहे हैं, दीर्घ संधि स्वर इसे सहजातीय स्वर भी कहते हैं। कारण क्या है, इनकी संख्या कितनी होती है, तीन। अब सहजातीय को समझिए, सहजातीय क्या होता है, ये
अगर आप इसे समझ जाओगे सहज जाती है, तो उसकी वो आप अच्छे से समझ जाओगे। फिर सजातीय, देखिए सजातीय क्या होता है, सजातीय क्या होता है, ये स्वर एक ही जाति के, एक ही जाति के, या हम कह सकते हैं जाति के बजाय अगर हम लिखे एक ही प्रकार के ज्यादा अच्छा होगा, एक ही प्रकार के। ये स्वर एक ही, अच्छा अच्छे से लिखते हैं, एक ही मूल स्थान से उच्चारित होने वाले, एक ही मूल स्थान से उच्चारित होने वाले स्वरों के योग से बनते हैं। ठीक है भाई, एक ही मूल स्थान से उच्चारित होने वाले स्वरों के मेल से ये स्वर बनते हैं। अब कैसे, देखिए अगर हम आ की बात करते हैं अगर हम आ की बात करते हैं, थोड़ा सा इस तरफ जाते हैं, अगर हम आ की बात करते हैं, देखिए मैंने कहा है एक ही मूल स्थान से उच्चारित होने वाले आ, मैंने क्या बताया आ बड़ाई और बड़ा ओ। ठीक है, चलिए भाई एक ही मूल स्थान से उच्चारित होने का मतलब क्या है, कि ये एक ही मूल स्थान से उच्चारित होते हैं। अच्छा इसको कलर को चेंज कर लेते हैं, ये एक ही मूल स्थान से उच्चारित होते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है देखिए ए कैसे आ कैसे बना, ए प्लस ए क्या बना आ, क्या बना आ बना। देखिए ए का मूल स्थान क्या है, कंठ है, तो एक ही मूल स्थान से उच्चारित, ये ए भी और ये ए भी एक ही मूल स्थान से उच्चारित होते ना, तो ए और ए मिलेगा तो क्या बनेगा आ बनेगा, तो एक ही मूल स्थान से उच्चारित हुए इसलिए एक ही जाति के हुए। ठीक है, ये बना ई और प्लस ई क्या बना, ये बना। अगर हम ऊ की बात करते हैं तो ये बना ऊ प्लस ऊ बना। ठीक है ना, तो क्या हुआ एक ही मूल स्थान से उच्चारित होने वाले स्वरों के योग से या मेल से जो स्वर बनते हैं उन्हें सजातीय कहते हैं, जो दीर्घ स्वर बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें सजातीय स्वर कहते हैं। कहा ना भाई एक ही मूल स्थान से उच्चारित हुए, हमारे कंठ से ए का उच्चारण स्थान क्या है, ए का भी कंठ है और ए का भी कंठ है, ई का तालव्य है और ई का भी तालु है। ठीक है, ऊ का तालु ऊ का ओष्ठ है और ऊ का भी ओष्ठ है, तो दोनों इनका ओठ से उच्चारित होते हैं। अगर इनकी बात करें तालु से, ये तालु है और ये कंठ है, तो ये क्या हुए एक ही मूल स्थान से उच्चारित होने वाले स्वरों के मेल से जो दीर्घ रूप आता है उसे दीर्घ संधि स्वर या सजातीय संधि स्वर कहते हैं। ठीक है ना, क्या दीर्घ संधि स्वर या सजातीय संधि स्वर कहते हैं। अच्छे से समझ में आया ना ये, ठीक है ना, कि एक ही मूल स्थान से उच्चारित हो रहे हैं, इसलिए मैं इसे रप नहीं कर रहा हूँ, नेक्स्ट पेज ले लेते, पेज की कोई कमी नहीं है अभी, नेक्स्ट पेज ले लेते इससे अच्छा होगा, आराम से नेक्स्ट पेज ही ले लेते हैं उससे कराएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं आपका संयुक्त स्वर, क्या संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। अब संयुक्त स्वर किसे कहते हैं, इन्हें विजातीय स्वर भी कहा जाता है, क्या इन्हें विजातीय, इन्हें विजातीय या सांध्य, इन्हें विजातीय या सांध्य स्वर भी
कहते हैं। इन्हें विजातीय या सांध्य स्वर भी कहा जाता है। इनका उच्चार, इनकी जो संख्या होती है वो चार होती है। इनकी संख्या चार होती है, ठीक है ना। इन्हें विजातीय या सांध्य स्वर के नाम से जाना जाता है। इनकी कुल संख्या चार होती है। कौन कौन सी होती है? इसमें होता है आपका ए और बडाए, ओ और औ, ठीक है भाई। देखिए मैंने कितनी संख्या बताई है, चार। तो कुल ये किसके भाग है? ये दीर्घ स्वर के, सॉरी, ये किसके भाग है? अगर हम बात करते हैं संधि स्वर के भाग है, दीर्घ स्वर भी और संयुक्त स्वर भी। कुल संधि स्वर की जो दीर्घ, सॉरी, जो संधि स्वर थे उनकी संख्या कितनी है? सात। तो तीन तो दीर्घ में चले गए और चार कहीं में आ गए, संयुक्त में आ गए। तो इन्हें विजातीय कहा जाता है। विजातीय किसे कहते हैं बता दूंगा मैं आपको, समझ में आ जाएगा। और सांध्य स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या चार होती है, बढ़ाए छोटा ए, बड़ा ए, ओ और औ, ठीक है। तो इन्हें क्या कहते हैं? विजातीय। अगर विजातीय की बात करता हूं, विजातीय, अब समझ में आ जाएगा आपको विजातीय क्यों कहा जाता है और इन्हें अलग क्यों किया गया है। क्योंकि वहां एक ही मूल स्थान से उच्चारित होते थे, जबकि विजातीय का अर्थ होता है ऐसे स्वर जो अलग 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 स्थान से, अलग अलग मूल स्थान से, मूल स्थान से उच्चारित होने वाले अलग अलग मूल स्थान से उच्चारित होने वाले स्वरों के योग से के योग से बनते हैं। ठीक है, ये अलग अलग मूल स्थान से उच्चारित होने वाले स्वरों के योग से बनते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें विजातीय स्वर कहते हैं। इन्हें विजातीय स्वर कहते हैं। विजातीय, इन्हें विजातीय, इन्हें विजातीय स्वर कहते हैं, ठीक है ना। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें विजातीय स्वर कहते हैं। अगर मैं बात करता हूँ इनकी संख्या कितनी होती है, चार मैंने आपको इनकी संख्या बताई है। कितनी? मैंने चार इनको आपको इनकी संख्या बताई है, ठीक है ना। कौन कौन से थे? ए, बड़ा ए, ओ, बड़ा ओ, ए, ए प्लस ई के योग से क्या बनेगा? ए बनेगा। ए प्लस ई के योग से बड़ा ए बन जाएगा, ठीक है। ए प्लस ऊ से बनेगा ओ, और ए प्लस ओ। मैं जानता हूँ संधि में ये नियम बदल जाएंगे, संधि में ये नियम बदल जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे मैं आपको अच्छे से बता दूंगा, लेकिन बस मुझे, मैंने आपको एक बताने का तरीका बताया है कि ऐसे होता है। संधि में ये नियम बदल जाएंगे और संधि में थोड़ा सा इनमें चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। संधि में इनमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इसलिए मैंने आपको बस बता दी है, तो कोई गलती ना निकाले इसमें बस, ठीक है ना, कि ऐसा है। मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जहाँ पे जो चेंज होगा वो मुझे पता है, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ आपको ये कंठ से और ये तालू से, ये कंठ से ये तालू से, ये कंठ से ये होठ से, ये कंठ से और ये होठ से। तो अलग अलग मूल स्थान से उच्चारित होने वाले स्वरों के मेल से क्या बने? आपके संयुक्त संधि स्वर बनते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा, मैं तो आशा ही कर सकता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैं जो कर रहा हूँ वो बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। अपनी कुछ कमी होगी तो आप लोग बताइए, आप लोग बताते नहीं हो तो कुछ पता भी नहीं चलता।
तो अधिक से अधिक शेयर करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। कुछ भी कमी है तो बता दीजिए, कम से कम बताइए तो सही। अगर कुछ कमी है तो आप बता दीजिए कि सर ये कमी है, कोशिश करेंगे उसका सुधार करने की। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, धन्यवाद दोस्तों।